नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी मार्केट में गिरावट है तो हाहाकार मच गया है। कितना गिरा है? लगभग 63,200 से गिर के 59,800 पे है। मात्र 5 से 10% गिरावट हुआ है। इस तरह से यहाँ पीक पे था, 63,000 कुछ से 59,800 पे आया है, तो पूरा मार्केट में हाहाकार मच गया है। यहाँ पे सारे इन्वेस्टर का एक ही क्वेश्चन है, अभी क्या करना है? तो यहाँ पे दो तरह का इन्वेस्टर होगा, एक जो नया इन्वेस्टर है, 3 साल 4 साल 5 साल हुआ है, और एक पुराना इन्वेस्टर है, 15-20 साल से इन्वेस्टेड है, हमारे जैसे लंबा समय हो गया। तो पहले न्यू इन्वेस्टर का बात करते हैं। 2 ही 3 साल हुआ है और लंबा समय बचा हुआ है, 12 से 13 साल अभी बचा हुआ है, उनके बच्चे का एजुकेशन, फाइनेंशियल गोल, जो भी है फाइनेंशियल गोल, उसमें टाइम बचा हुआ है। तो अभी तो उनके लिए सबसे खुशी का टाइम है, जितनी बार गिरे उतना अच्छा है, गुड टाइम है, क्योंकि एनएवी जब डाउन होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप में 2009 से लेकर 2022 तक 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी किया था। तो इसके कैश फ्लो में जाते हैं हम, कैश फ्लो में 10 रुपये का था, यहाँ देखते हैं 10 रुपया, 10 रुपया यूनिट चल रहा है, 13 रुपया। जब 13 रुपया यूनिट था और तब 10,000 रुपया डाला था तो 765 यूनिट मिला था। लेकिन जब फिर से 10 रुपया हो गया तो जो 765 यूनिट मिला था अब 910 यूनिट मिला था। हर महीने आप एसआईपी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ है या 5 साल हुआ है, अब मार्केट डाउन हुआ है, तो अगले महीने जो यूनिट मिलेगा, पिछले महीने तो मिला था 13 रुपया के रेट से 765 यूनिट मिला था, लेकिन 10 रुपया के रेट से 910 यूनिट मिलेगा। तो हर बार आप देखेंगे कि गिरावट में जब जब गिरेगा आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगा। ये तो 12 रुपया 11 रुपया 13 रुपया चल रहा है, अभी देखते हैं बड़ा गिरावट, 30 रुपया 32 36 43 42 45 51 60। 60 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो 60 रुपया है, 60 रुपया के रेट से आपको कितना यूनिट मिला? जब 10,000 रुपया लगाया, हर 10,000 रुपया लगाए तो 165 यूनिट मिला, लेकिन यही यूनिट का रेट 54 रुपया हो गया या 51 रुपया हो गया तो 193 यूनिट मिला। पहले 60 रुपया के रेट से 165 ही मिला, लेकिन अब जब मार्केट डाउन हुआ है तो 193 यूनिट मिला। आपका जो संपत्ति है ना म्यूचुअल फंड में, वो यूनिट है। कितना यूनिट किसके पास मिलता है वही बाद में ज़्यादा अमीर बनेगा। मार्केट कहाँ जाता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, यूनिट किसके पास ज़्यादा है। तो लास्ट में आज देखते हैं, तो 2009 से शुरू हुआ था, 10-10 रुपये का एसआईपी किया, 16 लाख जमा किया, और वैल्यू कितना है आज अभी यहाँ पे, 79 लाख। टोटल यूनिट इस तरह से मिलता गया, जैसे जैसे रेट बढ़ता गया यूनिट कम होता गया, एक्यूमुलेटेड यूनिट इतना हो गया, और आज सभी यूनिट का, सभी का प्राइस 109 रुपया चल रहा है। तो जितना भी सिक्का खरीद के रखा था वो मल्टीप्लाई होके ये पैसा बन जाता है। तो इस तरह से जितना यूनिट गिरे तो उनके लिए, न्यू इन्वेस्टर के लिए तो जो एसआईपी चला रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। अब मान लेते हैं, मैं अपना लाइव रिकॉर्ड दिखाता हूँ यहाँ पे, कि 6 से 10% तक मार्केट डाउन हुआ तो एब्सोल्यूट रिटर्न में 10% का या 6% 7% जितना भी है उसमें गिरावट आया है। मान लेते हैं ये मेरा एसआईपी चल रहा है, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का एसआईपी चल रहा है, 2010 से लेकर अब तक 12 साल बीत गया, तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा था? लगभग मेरे पास 25 लाख रुपया था, लेकिन अभी गिर के कितना हो गया? 23 लाख 36 हज़ार, कभी यहाँ पे 25 लाख था, तो 1,70,000 खत्म। यहाँ पे रिटर्न देखेंगे तो 192% एब्सोल्यूट रिटर्न है ये। इसमें मान लेते हैं कि 10% डाउन हो गया, ये था 202%, लेकिन 10% डाउन हुआ तो 192% बचा। एनुअल रिटर्न के रूप में देखेंगे तो 16.18% का अभी है। अगर यहाँ से और भी गिरे, कितना भी गिरे, तो मेरा मानना है कि बैंक से वो ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपका ये डर है और गिर गया तो, और गिर गया तो गिर सकता है टेम्प्रोरी, लेकिन यही समय अगर 10 साल रह गया ना, 5 साल रह गया ऐसा ही समय, तो सारे बैंक दिवालिया करना शुरू कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो वही लगाया है, जो पैसा मैंने निपॉन ग्रोथ फंड में लगाया है 70-80 कंपनी में, बैंकों ने भी तो वही लगाया है, जितने फाइनेंशियल कंपनी हैं वो भी तो वहीं लगाए हैं, तो उनका भी रेट नहीं बढ़ेगा अगर इस तरह का भोकाल चलता रहे, तो वो भी दिवालिया करना शुरू कर जाएगा। तो जो षड्यंत्र भी होते हैं ना, एकदम चाल जो है सोच समझ के वो भी चलते हैं,
टेम्पररी रहेगा, फिर से बढ़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो पुराने इन्वेस्टर हैं, फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया है बस रिमेन इन्वेस्टेड है, तो वैसे इन्वेस्टर को अगर फाइनेंशियल गोल आने वाला है 6 से 12 महीना में, कभी भी ये अभी मार्केट डाउन हुआ है या कभी हुआ है, आपका गोल अगर 6 से 12 महीने के अंदर है तो वो पैसे को निकाल करके बैंक में रखना चाहिए। जो गोल आने वाला है, जो नहायत ही ज़रूरी काम है, उसके लिए आप वो पैसा निकाल के रखना चाहिए। ये नहीं कि जब उस समय काम आएगा तो उस समय निकालेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है 10% ऊपर हो गया 10% नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 80 लाख है तो 8 लाख ऊपर किया और 8 लाख नीचे किया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न में यही देखेंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा। फाइनेंशियल गोल है तो निकाल के रख लेना चाहिए। अब तीसरा एक फैक्टर आता है कि फ्रेश मनी है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख है या 1 लाख है, जिनके पास जितना पैसा है उनके लिए वही सबसे ज़्यादा पैसा होता है। 50,000 जिनके पास है वो 50,000 ही संपत्ति, सबसे ज़्यादा पैसा वो उनके पास वही है, तो क्या अभी लगा देना चाहिए? मैं बोलूँगा, पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया कि मार्केट गिरा हो, इतना ही गिरा हो जितना गिरा है 6-7%, मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता था, मैं पैसा इन्वेस्ट करके देता था। मैं इस बार पहली बार बोल रहा हूँ इन्वेस्टर को कि 1 से 2 वीक वेट कर लीजिए, क्योंकि मुझे कैसा लग रहा है ना, जितना सारे किरदार ना जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं ना टीवी पे, मीडिया में, पेपर पे, जिस तरह से एक्टिंग चल रहा है, उससे लग रहा है थोड़ा सा और गिरेगा। जब गिरेगा 1-2 सप्ताह के बाद, फिर ज़्यादा वेट नहीं करना है कि और गिरेगा, तो फिर ऐसे इन्वेस्टर कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं जानता हूँ, पीछे भूतकाल में मेरा एक मित्र था, 20 लाख रुपये लेके बैठे थे, और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, आज भी पैसा उनका बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है, और हम बीच बीच में डालते गए। तो थोड़ा सा 1 से 2 वीक न्यू ईयर जाने दीजिए, 1 सप्ताह के बाद एक्टिंग करना जब ख़त्म हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि भाई बहुत हो गया एक्टिंग, फिल्म बहुत चल गया, अब तो भंडाफोड़ हो जाएगा, तो आप पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिएगा। वहाँ से भी 10% 20% गिर जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। फिर आपका क्वेश्चन होगा, आप क्या कर रहे हैं अभी? तो मैं तो वही पहले भी बताया हूँ, मैंने प्रण किया है कि जब मार्केट गिरा होगा ना तो पैसा तो मैं नहीं निकालूंगा। हाँ, अपने जीवन यापन चलाने के लिए, साल भर का जीवन यापन चलाने के लिए वो पैसा है, लेकिन इस गिरावट में तो नहीं निकालना है। फिर भी मैं यहाँ से जानता हूँ, यहाँ से और अगर गिरावट हो जाए ना, 10% 20% 25% और गिरावट हो जाए, तो भी जो लंबे पुराने इन्वेस्टर हैं आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, बैंक से 2 गुना रिटर्न मिलेगा। देख लेते हैं, यहाँ पे आपने देखा था ना, 10,000 रुपये पर मंथ करके 80 लाख रुपया हो गया। अब कैलकुलेटर पे आते हैं, ये 10,000 रुपये पर मंथ करके 13 साल कुछ महीने में 16 लाख जमा हुआ, और वो जो 80 लाख दिख रहा है 79 लाख, वो 60 भी हो जाए तो भी 17% का रिटर्न, जो कि बैंक से डबल होता है, इतना पैसा हो जाता है। यदि और गिर जाए 50 हो जाए तो देखते हैं कितना होगा, 51 लाख रुपये होता है। मतलब ये जो SIP पीछे कर रहे थे 17 लाख हो गया था, अगर वो गिर के 51 लाख भी हो जाए, 80 लाख से गिर के 51 लाख हो जाए, तो भी 15% रिटर्न मिलेगा, और ऐसा 5-10 साल रह जाए गिरावट में तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सारी कंपनी तो उसी के हैं जो गिराना चाहता है, तो अपने आप को तो बचाना चाहेगा ना। जब वो अपने आप को बचाना चाहेगा तो हमारा भी पोर्टफोलियो फिर लाइफ टाइम हाई की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ कि मैंने क्या प्रण किया है। एक बार क्या होता है, महावीर जी अपने शिष्य के साथ चलते जा रहे थे, एक आश्रम में पहुँचना था उनको, रास्ते में एक पौधा मिला, तो शिष्य पूछते हैं कि बताइए इसमें फूल होगा या नहीं होगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसमें बताइए फूल होगा कि नहीं होगा। महावीर जी यहाँ पे 1 मिनट मौन होकर खड़े हो जाते हैं और इनके बारे में चिंतन करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। बीच में शिष्य फिर बोलता है कि आप क्या आंखें बंद करके इसकी तरफ खड़े हो गए हैं, मैं पूछ रहा हूँ फूल होगा या नहीं होगा। 1 मिनट के बाद महावीर जी बोलते हैं फूल हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने कहा, उसके शिष्य ने पौधा तोड़ के फेंक दिया। तो ये देख के मन ही मन महावीर जी मुस्कुराए और मन ही मन शिष्य से बोला, बड़े आए कि हम सब कुछ जानते हैं, फिर चले गए आश्रम में मुस्कुराते हुए। 1 सप्ताह तक जब आश्रम चले गए, मूसलाधार बारिश हुआ,
भयानक, कोई घर से बाहर निकल नहीं सकता है। एक सप्ताह के बाद जब बारिश शांत हुआ, फिर उसी रास्ते से दोनों गुजर रहे थे तो वहाँ देखा पौधा लगा हुआ है और उस पर फूल आज खिल चुका है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इसमें फूल होगा ही होगा? तो उन्होंने कहा, जब मैं 1 मिनट यहाँ पे मौन होके खड़ा था तो मैंने इसके चित्त में जाके देखा तो मैंने ये पाया कि पौधे का कहना है कि मैं फूल बनूंगा ही बनूंगा, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मुझे फूल बनना ही बनना है। अगर फूल के चित्त में यह होता कि मौसम खराब है, धूप है, पानी है, मैं मर जाऊंगा, तो वो तुम्हारा बहाना लेकर मर जाता। पर उसके चित्त में मैंने यही देखा कि मैं फूल बनूंगा ही बनूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। फिर वो आगे चलने लगे और फिर मुस्कुराए इस बार। तो शिष्य फिर पूछते हैं, आप इस बार फिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा तुम क्यों ने पौधे को तोड़ करके फेंक दिया। तो शिष्य कहते हैं कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो इस बार भी बता देते कि मैं तोड़ूंगा या नहीं तोड़ूंगा। तो उनका कहना है, महावीर जी का कहना है कि मैं सत्य चिरंतर जो परमानेंट है, मैं सिर्फ उस पर ध्यान लगाता हूँ। फूल का जो संकल्प था, दृढ़ था, वो परमानेंट था, वो तुम्हारे तरह हर पल बदल जाए ऐसा नहीं था। तुम पौधे को तोड़ भी सकते थे, नहीं भी तोड़ सकते थे, कि तुम पर निर्भर करता है। पर पौधा जो अंदर था, वो दृढ़ संकल्प था उसका, वो परमानेंट नेचर का था कि उनको फूल बनना ही बनना है। अगर उनके मन में ये होता कि मैं मर जाऊंगा, उनका नेचर इस तरह का होता तो वो मर ही जाता। तो जो चीज़ परमानेंट नेचर का है, सत्य है, चिरंतर है, मैं सिर्फ उसी पे ध्यान करता हूँ। जो पल पल बदल जाए, मैं उस पे ध्यान नहीं करता हूँ, क्योंकि वो निरर्थक होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे इन्वेस्टर है और मोगेम्बो कभी कभी खेलेंगे, वो ऊपर नीचे करेंगे ही करेंगे, उनका नेचर ही वही है, वही करेंगे वो। लेकिन जो इन्वेस्टर दृढ़ संकल्प कर लिया ना, हमारे तरह और भी इन्वेस्टर की तरह जो फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई रोक नहीं सकता है। एक पिक्चर का बहुत अच्छा डायलॉग है ना, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आपको वो चाहना पड़ेगा। मार्केट गिरावट के डर से आप ऊपर नीचे करने लगेंगे, वो तो चाहता ही है कि मार्केट गिरे तो लोग डरे, डरे और तो बेचे। तो एक तो गोल्डन सेंटेंस है ना, कोई ना कोई बेचेगा तो कोई ना कोई खरीदेगा। आप अपना संपत्ति बेचेंगे तो ही कोई खरीदने वाला है। हम बेचेंगे नहीं तो खरीदेगा कौन? फिर देखेंगे 6 महीना साल भर के बाद लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। तो इसी तरह से मार्केट चलता आया है, चलता रहेगा। ये जो मार्केट का एजुकेशन है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ईपीएस क्या है, ई बीटा क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और ये सब करने के लिए 3 से 5 साल का कोर्स है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आत्मसार कर लिया, लेकिन मोगेम्बो वाला फैक्टर, वो कब षड्यंत्र रच देगा, कब क्या हो जाएगा, कौन जानता है? जब जब बड़ा गिरावट आया है, वो किताब में नहीं लिखा हुआ कहीं, वो होने के बाद पता चलता है, पर कर तो कोई और रहा है। दूसरा बात है, हमारा डर उसका फैक्टर, वो किताब में कहाँ पढ़ा गया कि डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए डरना नहीं है। वो खेल खेल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे। बट तो इस तरह का उतार चढ़ाव गिरावट हमने 10 से ज़्यादा बार देख लिया है। जो इतना फेज देख लिया ना, और रिमेन इन्वेस्टेड रहा ना, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही जाएगा। आपको इसी तरह बिना डरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।